बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप 33 लाख के यूज़र्स हैं और 33 लाख का वाईफाई जो है वो आप अपने ऑफिस में, अपने घर में या किसी भी जगह पे इस्तेमाल करते हैं और आपको अब उसका जो बिल है वो पे करना पड़ता है या तो इनकी फ्रेंचाइज में जाके या जहाँ इनकी जो मशीनरी जो इंस्टॉलेशन होती है वहाँ पर जाके आपको इसका जो बिल है वो मंथली पे करना पड़ता है जाके। सो वो लोग जो अभी तक ऑनलाइन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रखते या रखते हैं तो उनको ये नहीं पता कि ऑनलाइन हमने बिल जो है वो कैसे पे करना है। घर बैठे मोबाइल पे आप इजीली जो है विद इन 2 मिनट्स आप जो है वो बिल पेमेंट कर सकते हैं। किसी किस्म के कोई चार्ज नहीं है, 1 दिरहम से लेके 5 दिरहम या 20 दिरहम कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं है। जो एग्जैक्ट अमाउंट आपकी होगी वही आपने बस पे करनी है ऑनलाइन। बस आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास जो है डेबिट कार्ड होना चाहिए। वाया डेबिट कार्ड जो है आप जो है इसको पे कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं उस वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक। आपने क्या करना है, अगर आपके पास माई एतिसलात ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से इसको फौरन जो है इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने अकाउंट बनाना है। सो अकाउंट बनाने के बाद आपके जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेश होगा। अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे रूम में जो है हमने जो वाईफाई लगवाया हुआ है सो उसका ये इंटरनेट MBs भी यहाँ पे मेंशन है और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं योर बिल फॉर अप्रैल, यानी कि इस मंथ का जो बिल है वो हमारा इतना है। अच्छा, अब इसको कैसे पे करना है ये आपके सामने जब पेश होगा तो आप सबसे ऊपर राइट साइड पे देख सकते हैं 3 लाइंस, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्स एंड पेमेंट, यानी कि थर्ड ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है पे माई बिल्स, ये जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ये देखे एक पेज शो हो रहा है जो इस पर लिखा है कि आपने पे बिफोर 15 मई, यानी कि जो है 15 मई जो है उससे पहले आपने बिल पे करना है। सो मैं पे नो पे क्लिक करूँगा। पे नो पे क्लिक करने के बाद फिर आपने करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब मैंने इसमें ऑलरेडी जो है अपने माई एतिसलात में अपना डेबिट कार्ड जो है वो एडिट यानी कि ऐड किया हुआ है। सो मैं पे विद लास्ट यूज कार्ड में क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और पे पे क्लिक करूँगा। पे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होने के बाद अब आपके कार्ड के पीछे जो 3 डिजिट का जो कोड है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। ये टाइप करने के बाद आपने पे पे क्लिक करना है। जब आप पे पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये बिल है ये ऑटोमेटिकली ऑनलाइन पे हो जाएगा। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आपने शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देखना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगेबान।